पहले किसी के भी घर में टॉयलेट नहीं था, तो हम बाहर खुले में जाते थे, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी बाहर खुले में, जैसे लड़के वगैरह ये छेड़ते थे, रात को डर लगता था और साथ में जाना पड़ता था, किसी को कुछ इमरजेंसी लग जाती थी तो। और बरसात के दिनों में बहुत परेशानी होती थी बाहर जाने में, क्योंकि जो यहाँ पे लेटरिन वगैरह बरसात के दिनों में मेन रोड पे बह के आ जाती थी और बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी, जिससे बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे हम पहले। जब ये सीफार वाले आए तो सीफार वालों के सामने हमें हमारी समस्याएं बताई कि हम बाहर जाते हैं खुले में तो हमें दिक्कत होती है, तो इनके तरफ से जब हम बीकानेर एक्सपोज विजिट के लिए गए तो वहाँ पे हमने देखा टू पिट वाले जो टॉयलेट बने हुए थे, तो हमने देखा पानी की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, उसमें पानी भी कम लगता था और जैसे ये लाइफ टाइम के लिए सही था। ये जैसे एक गड्ढा बनता है 3 फुट गहरा और 3 फुट चौड़ा, तो इसमें 5 सदस्यों के लिए 5 साल तक चलता है। तो जब एक खड्डा भर जाता है तो उसमें फिर दूसरे खड्डे को चालू कर देते हैं, अगर उसको 6 महीने बाद में खोल के देखते हैं तो उसमें बिल्कुल सूखा सूखा निकलेगा। तो मैंने मेरे पति से बात करी कि अपने घर में भी ऐसा टॉयलेट बनना चाहिए और इसमें किसी बाहर से किसी मजदूर को लाने की ज़रूरत भी नहीं है, अपन खुद ही खड्डा खोद लेंगे, ऐसे करके मैंने मेरे पति से बात करी। तो उनको पहले तो समझ में ही नहीं आया कि ये टू पिट वाले भी कोई टॉयलेट होते हैं क्या, क्योंकि पहली बार ऐसा सुना था ऐसा देखा था, लेकिन मैंने उनको बार बार में समझाया कि ये टॉयलेट हमारे लिए स्वच्छ सुरक्षित है और ये वाले बनने चाहिए हमारे यहाँ। मेरी बेटी भी बोलती कि नहीं पापा बाहर नहीं जाएंगे, दिक्कत होती है, लड़के देखते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, तो ऐसा कर करके उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि चलो तुम बता ही रहे हो तो मैं ऐसा ही बना लेता हूँ। मतलब 20 महिलाओं का समूह बनाकर हम उसमें मीटिंग करते हैं और महिलाओं को समझाते हैं घर घर जाके कि टॉयलेट बनवाओ। मेरा टॉयलेट बनने के बाद बस्ती में 35 और नए टॉयलेट बने, वो भी अपने खर्चे पे बने, और जो अब स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से टॉयलेट बन रहे हैं तो मेरी बस्ती में करीबन 360 टॉयलेट टू फिट वाले बन चुके हैं। हमारी बस्ती में बहुत बड़ा बदलाव आया है और लोग बहुत खुश हैं और बस्ती में भी स्वच्छता नज़र आ रही है।